बगहा में किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। ये कारनामा सेंट्रल बैंक की नारायणपुर शाखा का है। बैंक ने करोड़ों का लोन को स्वीकृति दे दी है, लेकिन किसानों का अता पता नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा, सेंट्रल बैंक की शाखा में फर्जीवाड़ा, शाखा प्रबंधक समेत पांच दलालों पर मामला दर्ज। देखिए इन चेहरों को, ये किसान हैं जिन्हें लोन तो नहीं मिला लेकिन सेंट्रल बैंक की तरफ से लोन चुकाने का नोटिस जरूर मिल गया, जिसे पाकर इन किसानों की नींद उड़ गई है। इन किसानों के फर्जी हस्ताक्षर पर दलालों ने केसीसी से लोन के नाम पर करोड़ों रुपए डकार लिए। लोन के लिए हम गए थे, लोन हुआ, उसके बाद हमारे पास सीबीआई का नोटिस आया कि मतलब कि तुम लोन लिए हो, तो हमने कहा हाँ। उसके बाद भी फर्जीवाड़ा का बहुत ऐसा मतलब ये थी है कि उसमें लोगों का नाम पे ना पैसा निकाल लिया है लोग। कौन बैंक का मामला है? सेंट्रल बैंक, कौन? नारायणपुर जी। केसीसी के मामला बा कि खरपोखरा के दिनेश राम माइल बना, हमरा से कहने की जे हम इंदिरावास के नाम पर हमरा के लाल कार्ड पहचान पत्र फोटो दे दे, तार इंदिरावास के की हुई तो खाता खोलवा दे, आ दे दिले के बाद से तब केसीसी के नाम पर हम आज लोन कर दिले। कब पता चल? 16 तारीख के डेट में जब नोटिस हमरा प्राप्त हुई तब के भाई। कौन बैंक के नोटिस है? सेंट्रल बैंक। वर्ष 2010-11 में 470 किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए, लेकिन जांच के दौरान न तो किसान मिले और न ही उनका ठिकाना। करीब 371 केसीसी लोन को फर्जी कर 1.79 करोड़ रुपए की राशि की पंदरबाट कर ली गई। अब सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। सीबीआई ने शाखा प्रबंधक योगेंद्र राम, कैशियर संजय कुमार पांडे समेत पांच दलालों पर मामला दर्ज किया। 358 के आसपास। कितना रुपया गमन हुआ? 1,79,00,000 के आसपास। इसमें आप अपने स्तर पर क्या कार्रवाई कर? हमारे स्तर से ब्रांच के स्तर से इंक्वायरी केवल हुआ, चिट्ठियां भेजी गई जो लौट गई और जांच पड़ताल हुआ, जिसमें वो आदमी का आता पता नहीं चला, चाहे गड़बड़ी रही डॉक्यूमेंट में तो हायर अथॉरिटी को दिया गया। किसानों के नाम पर हुए इस फर्जीवाड़े का खुलासा सीबीआई कब तक कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच इतना तो साफ हो गया है कि फर्जी रसीद और एलपीसी निर्गत करने में अंचल की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। राकेश सहरा समय बखान।